में नेपोटिज्म को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। बॉलीवुड के काफी सारे स्टार्स ने नेपोटिज्म को लेकर अपनी अपनी राय रखी है। जहां एक तरफ सनी देओल को नेपोटिज्म के बारे में पता ही नहीं कि ये होता क्या है, तो वहीं अब बॉलीवुड के अन्ना यानी सुनील शेट्टी ने नेपोटिज्म को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हाल ही में एक बातचीत के दौरान सुनील ने कहा, ये सारी बातें काफी परेशान और दुख पहुंचाती हैं, क्योंकि मेरी बेटी के लिए ये इतना आसान नहीं रहा है। उसने अपनी पहली फिल्म की थी जो कि 40 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन वो नहीं चली। और एक बार जब ये परसेप्शन बन जाता है कि फिल्म फ्लॉप हो गई है, तो कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। डेब्यू करने के बाद अथिया दूसरी फिल्म पर काम करना चाहती थी, लेकिन कोई भी उसे चांस देने को तैयार नहीं था। इस कारण मुझे लगता है कि नेपोटिज्म पर बात होना बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे दुख पहुंचता है। तो सुना आपने, सुनील की बातों ने बेटी को लेकर अपना दर्द बयां कर दिया है। आपको बता दें कि सुनील की बेटी आथिया ने साल 2015 में आई फिल्म हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन आथिया की उम्मीदें नहीं टूटी, यही वजह है कि वो अब मुबारका फिल्म में दिखाई देंगी। ये फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये फिल्म आथिया के करियर को पार लगा पाती है या नहीं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।